नमस्कार दोस्तों, द अर्थ न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट आशीष कपूर। आज हम बात करेंगे बीजेपी की नवनिर्वाचित टीम को लेके, क्या मुद्दे जुड़े हैं उसके साथ और क्या मसले भी जुड़े हैं उसके साथ। कुछ एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं उसके साथ और कुछ लोग उसको अच्छा भी बता रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी टीम के एक मेंबर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विकास चौधरी जी। विकास जी, हम आपका द अर्थ न्यूज में स्वागत करते हैं। धन्यवाद आशीष जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार करता हूँ। विकास जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपको ये जिम्मेवारी मिली है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की, क्या कार्यप्रणाली आप जो है वो फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में, जिससे जो मुद्दे हैं युवा लोगों से जुड़े हुए, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है युवा मोर्चा जो है ये युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से उन मुद्दों को जो है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के होते हुए आप उठाएंगे? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की अभी परसों की नई टीम की जो घोषणा हुई है, तो इसमें मेरे को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो कार्यभार मिला है, मैं उसको निभाने में अपनी तरफ से पुरजोर मेहनत करूंगा और प्रदेश नेतृत्व का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे को दी है। बाकी जैसा कि आपने कहा कि युवा मोर्चा युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, मेरा भी यही मानना है कि युवा मोर्चा युवाओं को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी युवाओं की बात करते हैं। 65% हमारा देश एक युवा देश है, तो युवा इस देश को नई दिशा की तरफ लेके जाएं, तरक्की की तरफ लेके जाएं, तो ऐसी हम सब भी कामना करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी बात पे फोकस करते हैं और बहुत सारी योजनाएँ जो उन्होंने चलाई हैं, मुद्रा हो गया, स्टार्टअप हो गया, ताकि युवा खुद रोजगार उत्पन्न करने की स्थिति में आए, ना कि जो जॉब सीकर रहें, तो उसी दिशा में हम भी कार्य करेंगे। अभी कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान कैसे हो उस पर होकर हम वर्क करेंगे। और जो ड्रग्स जो एक मैनेस के रूप में इस वक्त हमारे प्रदेश में फल फूल रहा है, उसको कैसे हम रोक पाएँ पूरी तरह से, उसको युवाओं को उनसे दूर रखा जाए, इसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास हम आने वाले समय में करेंगे। विकास जी, कहीं ना कहीं जो नई टीम ये गठित हुई है, सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, ये एक अंग्रेजी मुहावरा है, आपने भी सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, इसको लेके क्या कहेंगे आप कि पुराने लोगों को ही फेरबदल किया और उन्हीं को ही जिम्मेवारी दे दी गई, नए लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, और ये इल्ज़ाम कौन लगाते हैं आप भी समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से, पार्टी के कुछ या हम कहेंगे संगठन के कुछ अपने ही लोग होते हैं जिनको शायद से थोड़ा सा मलाल होता है जिम्मेवारी नहीं मिलने का, क्या बोलेंगे इस पर आप, इनको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए ऐसा है आशीष जी, संगठन की नज़र जो रहती है हर कार्यकर्ता पे रहती है और जो संगठन का निर्णय होता है वो सिर्फ यूं ही कुछ पलों में नहीं हो जाता है, उसके लिए इसके ऊपर बहुत सारा निरीक्षण जो संगठन की तरफ से भी रहता है, संगठन बिल्कुल सोच कर विचार कर किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेवारी देनी है, किसको कहाँ रखना है, ये संगठन बखूबी इसको तय करता है और ये मिलकर इसमें चर्चा होती है, फिर उसके बाद ये निर्णय लिए जाते हैं, ये आनन फानन में लेने वाले निर्णय नहीं है। और जो आपने कहा कि उन्हीं चेहरों को आगे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे मैं खुद की बात करूंगा तो मैं पिछले 10 वर्षों से युवा मोर्चा में काम कर रहा हूं, तो अब मुझे ये जिम्मेवारी संगठन ने दी है, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा इसलिए संगठन ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। और आप जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा है कि युवाओं को आगे लाना, उस टीम में काफ़ी सारे आपको लगता होगा कि नए लोग इस टीम में आए हैं और इससे मुझे लगता है आने वाले दिनों में चुनाव भी है तो एक ऊर्जा इस संगठन को मिलेगी। विकास जी, इसके साथ साथ एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम कहेंगे सोशल मीडिया में लोगों की तरफ से, और हो सकता है कुछ आपके ही अपने हो जो लगा रहे हो ये इल्ज़ाम ये लग रहा है नेपोटिज्म का, जो बीजेपी हमेशा बात करती थी, राहुल गांधी को टॉन्ट किया जाता था नेपोटिज्म को लेके, परिवारवाद को लेके, कहीं ना कहीं जो मौजूदा हम कहें जो टीम्स आपकी बनी है इस टाइम बीजेपी की, उसमें ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि नेपोटिज्म जो है वो इसमें प्रिवेल कर रहा है या परिवारवाद जो है प्रिवेल कर रहा है। हम क्यों ये आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम इनडायरेक्टली आप पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आप जो एक सिटिंग MLA के पुत्र हैं यहाँ पे, तो इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे आप, किस तरह से एड्रेस करेंगे बाकियों के लिए? देखिए आशीष जी, ठीक है, आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को सबसे पहली बात तो डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से युवा मोर्चा में मंडल स्तर से लेकर, सबसे पहले मैं रविंद्र रैना जी के साथ जिला अध्यक्ष था जब रविंद्र रैना जी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसके बाद नई टीम बनी, फिर से मैं युवा मोर्चा में प्रदेश में महामंत्री के नाते मेरा दायित्व रहा, 3 साल मैंने
उस दायित्व को अच्छे से निभाया। उसके बाद अब ये संगठन ने मेरे को उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी देते हुए प्रदेश में मुझे प्रदेश अध्यक्ष के नाते दायित्व दिया। तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ज़मीन से काम कर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं पैराशूट से नहीं आया हूँ कि मैं आया और डायरेक्ट मुझे ये जिम्मेवारी दे दी गई। मैं मंडल स्तर से, जिला स्तर से, फिर प्रदेश में, और उसके बाद फिर से प्रदेश में, चार सीढ़ियों को मैं चढ़ते चढ़ते बिल्कुल मेहनत करके तब कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को डिफेंड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जिस तरह से चर्चा आज पार्लियामेंट पे भी चल रही है, नेशनल लेवल पे भी चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन पार्टिसिपेशन को लेके पॉलिटिक्स में। बीइंग स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ BJYM, आप किस तरह से जो वुमेन पार्टिसिपेशन होगी यूथ मोर्चा में या युवा मोर्चा जिसको आप बोलते हैं, किस तरह से वो रहेगी आपके टेन्योर में, और किस तरह से आप सोचते हैं कि जो है उनको जो है लाया जाएगा युवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिक्स फर्दर कल को लीडरशिप तैयार करने के लिए, अगर महिलाओं की बात करें? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो हमारी टीम की आप बात कर रहे हैं, तो हम भी इसमें कुछ महिलाओं को या जो युवा हमारे जो महिलाएं होंगी जो इस संगठन से जुड़ना चाहती होंगी, हमें ज़रूर उनको इसमें हिस्सेदारी देंगे। बात करें, वो बराबर के हिस्सेदार हैं। 50 अगर एक घर में या एक वोट शेयर आप देखें तो अगर 50% मेल हैं तो 50% फीमेल भी हैं, तो बराबर की भागीदारी वो है हमारे साथ उनकी, तो हम उनको टीम में ज़रूर जगह देंगे। अगर हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें स्टेट में, कहीं ना कहीं लोग सरकार से ज़्यादा अब गवर्नर रूल में खुश दिखाई दे रहे हैं। हमने आज भी देखा कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली, पिछले दिनों भी जैसे एम्स को हरी झंडी मिली गवर्नर SAC की तरफ से। तो अगर हम बात करें तो किस तरह से विश्वास वापस से जो है यूथ मोर्चा या युवा मोर्चा जो है वो लोगों का वापस से ला सकेगी BJP के ऊपर, और युवाओं का खासकर ला सकेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो छाया हुआ है, जिसको जो हम अपोजिशन की बात करें वो भी अच्छे से भुना रहा है इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में। देखिए, गवर्नर रूल की आप बात कर रहे हैं, तो गवर्नर रूल उसका रूल माना जाता है जिसकी केंद्र में सत्ता हो। तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उस तरह से यहाँ पे भी भाजपा की ही सरकार है। मतलब आपका ये कहना है कि इनडायरेक्टली जो है केंद्र की सरकार जो है वो चला रही है सरकार स्टेट में। जो गवर्नर होता है वो केंद्र के ही नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पे होता है। जो अगर भाजपा को जो पूर्ण बहुमत की सरकार की जो बात भाजपा ने की थी कि 44+, अगर वो हम उसको पा लेते तो इसी तर्ज पे, इसी स्पीड से हम भी प्रदेश में काम कर पाते। अब जो कमी हमें महसूस हो रही थी, जो डिस्क्रिमिनेशन हम खत्म करना चाहते थे, जिसको लेकर हमने 44+ का नारा दिया था, क्योंकि हम उससे कुछ पिछड़ गए तो हम वो स्पीड, वो कार्य हम नहीं कर पाए, उसी को लेकर हम सरकार से बाहर आए। तो अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो जो कार्य अभी गवर्नर रूल में जिस स्पीड से हो रहे हैं वैसे ही हमारी सरकार भी करती। तो क्या आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए? देखिए, हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो हमारा एजेंडा है उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो कमी, जो पिछली बार हम कुछ पीछे रह गए थे, उसको पूरा करिए, ताकि हम आपके और जोर शोर से, दिल से आपके सभी के काम कर सकें। जो कि डिस्क्रिमिनेशन का जो एक आरोप जो लगता रहा है हमेशा से जम्मू प्रोविंस के साथ, ताकि ऐसा आगे के भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आपने हमें समय दिया विकास जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आशा भी करेंगे कि आप इसी तरह से, जिस तरह से आपने जो बातें रखी हैं, आप उसको जो है आगे इम्प्लीमेंट भी कर सकें, और युवाओं की जो डिमांड्स हैं, युवाओं का जो आज के टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, उनको आगे जो सरकार के सामने रख सकें। धन्यवाद। तो ये थे विकास चौधरी जी हमारे साथ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने हमें बताया किस तरह, क्या मुद्दे, जो सवाल हमने पूछे उनसे, उनका उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। बात करें नेपोटिज्म के ऊपर, उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जो है ये मुकाम हासिल किया है, ना कि एक पैराशूट की तरह आके ये मुकाम हासिल किया है। बात करें महिलाओं की, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स की, उसमें भी उन्होंने बताया कि वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो हैं उनको जो है पार्टिसिपेट करवाया जाए इस प्लेटफॉर्म में, युवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।